हेलो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट भारत की खूबसूरती का एक बेशकीमती नग है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की 10 सबसे अच्छी जगह कौन सी हैं। इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 on 10 इनाम जीतने का, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखेगा। नंबर 10, अगरतला। 10वें नंबर पर त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है। अगरतला को वीर विक्रम माणिक्य बहादुर की भूमि भी कहा जाता है। अगरतला अपने महलों, बांस के हैंडीक्राफ्ट के सामान और हाथ से बुनी चीजों के लिए जाना जाता है। अगरतला के जो स्थान आपको एक बार लाइफ में जरूर देखने चाहिए वह है नीर महल पैलेस, उज्जैनता पैलेस, जम्पुई हिल, जगन्नाथ मंदिर और सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस शहर में घूमने का बेस्ट सीजन अक्टूबर से अप्रैल के बीच है। नंबर 9, कोहिमा। कोहिमा आता है 9वें नंबर पर, जो नागालैंड की कैपिटल सिटी है। कोहिमा को स्थानीय लोग बड़ा बस्ती भी कहते हैं। कोहिमा में कई दुर्लभ प्रजाति के पंछी भी पाए जाते हैं और साथ ही कोहिमा की जिंदगी काफी सादगी से भरपूर है। कोहिमा के जो स्थान देखने योग्य हैं वह है जप्पू पीक, सुको वैली, कोहिमा म्यूजियम, कोहिमा जू और तोफेमा गांव। कोहिमा घूमने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से मई के महीने है। नंबर 8, इम्फाल। 8वें नंबर पर है मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल। इम्फाल को मणिपुर का संग्रहालय और मणिपुर की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। इम्फाल एक बेहतरीन हनीमून डेस्टिनेशन है और इसके साथ ही यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक देखे जा सकते हैं। कंगला पैलेस, लोकतक झील, मणिपुर स्टेट म्यूजियम, शहीद मीनार और थेरोन केव यहाँ के कुछ उल्लेखनीय देखने योग्य स्थान हैं। सितंबर से अप्रैल के महीने इम्फाल घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे। नंबर 7, माजुली। 7वें नंबर पर है माजुली, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमने की एक अद्भुत जगह है। माजुली को असम का कल्चरल कैपिटल और लैंड ऑफ 17 भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि माजुली ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी के बीच बना हुआ द्वीप है। माजुली के जो स्थान आपका दिल जीत लेंगे वह है कमलाबारी सत्र, दकिन पत्र सत्र, गरमुर, ओनियाती सत्र और तेंगापानिया। घूमने के लिहाज से अक्टूबर से मार्च के महीने माजुली घूमने के लिए बेस्ट रहते हैं। नंबर 6, जीरो वैली। अब बात करते हैं जीरो वैली की, जो अरुणाचल प्रदेश की एक बेहद दिलचस्प जगह है। जीरो वैली को अपाटानी प्लेटू भी बोला जाता है। जीरो वैली और इसके आसपास का वातावरण और नज़ारे आपको चुटकियों में मंत्रमुग्ध कर देंगे। ट्रैकिंग करने वालों के लिए जीरो वैली किसी जन्नत से कम नहीं है। जीरो वैली में घूमने की बेस्ट प्लेसेस हैं टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघना केव टेम्पल, किले पाखो, डोलोमांडो और मिडे। जीरो वैली घूमने का सबसे अच्छा टाइम मार्च से जून के बीच है। नंबर 5, पेलिंग। सिक्किम का विस्मयकारी हिल स्टेशन पेलिंग आता है 5वें नंबर पर और इसे सिक्किम का स्वर्ग कहा जाता है। पेलिंग दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा के बहुत ही नजदीक है, जिस वजह से कंचनजंगा की खूबसूरती यहाँ से देखते ही बनती है। पेलिंग ज्यादा कमर्शलाइज नहीं है, जिस वजह से यहाँ आप अनछुई प्राकृतिक हरियाली भी देख पाएंगे। पेलिंग के कंचनजंगा फॉल्स, रबदानसे रुइंस, कंचनजंगा नेशनल पार्क, रिम्बी फॉल्स और किचियोपल्ली लेक कुछ खास स्थान है। पेलिंग घूमने का सबसे अच्छा वक्त मार्च से मई के बीच है। नंबर 4, तवंग। अरुणाचल प्रदेश का तवंग नगर है 4थे नंबर पर, जिसको ट्रैकिंग के लिए ख्याति हासिल है। इसके साथ ही तवंग 6ठे दलाई लामा का जन्म स्थान भी है, जिसकी वजह से तवंग को एक महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। तवंग में सबसे ज्यादा मशहूर है तवंग मोनेस्ट्री, जिसके अलावा यहाँ तवंग वॉर मेमोरियल, बुमला पास, पंगटेंग सो लेक और नुआरानंग फॉल्स भी देखा जा सकता है। मार्च से जून के महीने यहाँ घूमने के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट की ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके 10 ऑन 10 चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नंबर 3, गैंगटॉक। 3रे पायदान पर है सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जिसको बौद्ध मठों की भूमि नाम से भी पहचान मिली हुई है। गैंगटॉक एक फेमस हिल स्टेशन तो है ही, साथ ही ये ट्रैकिंग के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए, नेचर लवर्स के लिए और शादीशुदा जोड़ों के लिए एक ऑलराउंड वेकेशन डेस्टिनेशन भी है। एमजी रोड, नाथुला पैलेस, सोंगमो लेक, रुमटेक मोनेस्ट्री और हनुमान टोक यहाँ के कुछ सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। गैंगटॉक सितंबर से जून के बीच घूमना आपको एक ऑसम एक्सपीरियंस देगा। नंबर 2, चेरापुंजी और मौसिनराम।
मेघालय में बसे चेरापुंजी और मौसिनराम आते हैं दूसरे नंबर पर, और ये एक दूसरे के काफी करीब हैं। चेरापुंजी को संतरों की भूमि और मौसिनराम को दुनिया की सबसे नम जगह होने का खिताब मिला हुआ है, जो खिताब एक समय पर चेरापुंजी के पास हुआ करता था। मौसिनराम में हर साल 10 से 15 मीटर बारिश होती है, यानी एक 3 मंजिला इमारत के बराबर। नोकालिकाई फॉल्स, डॉकी, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, मसमाई केव, मोवलेनंग गांव और शिलोंग यहाँ आसपास के सबसे बढ़िया स्थान हैं। यहाँ घूमने का बेस्ट समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है। पहली जगह देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो तो चोको डिप की हैंड क्राफ्टेड चॉकलेट्स एक ऑसम ऑप्शन है। आप chocodip.in वेबसाइट पर 10on10 कूपन कोड यूज करके चोको डिप चॉकलेट्स पर एक्साइटिंग डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। चोको डिप पूरे इंडिया में चॉकलेट्स डिलीवर करती है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मौजूद एक उम्दा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क को एक सींग वाले गैंडे का घर और बर्डिंग पैराडाइज कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत की सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति रहती है, और इस उद्यान को 4 टूरिस्ट डिविजन में बांटा गया है। यहाँ का होलंगा पार्क, गिब्बन सेंचुरी, काकोचेंग वाटरफॉल्स, काजीरंगा नेशनल ऑर्किड और डाइवर्सिटी पार्क आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। नवंबर से अप्रैल के महीने यहाँ घूमने के लिए बेस्ट हैं। इस वीडियो का प्रश्न ये है कि इस वीडियो में सिक्किम की कौन सी 2 जगहों को शामिल किया गया है। कमेंट से जवाब देने के बाद अगला वीडियो भी जरूर देखेगा, जिसमें आपके लिए कुछ बहुत ही खास है। धन्यवाद।